दोस्तों ये है बलिनो। और कभी कभी क्या होता है, आप सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप एसी का फैन जब तक ऑन करते हो ना, एसी ऑन कर रहे हो तो उसमें स्मेल नहीं आती, लेकिन एसी में कूलिंग कम हो जाती है, और अगर एसी ऑफ कर दिया तो फैन में बहुत गंदी सी फाउल स्मेल आती है। तो आप सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो आपको मैं बलिनो में करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपना ये ग्लव बॉक्स रिमूव कर लेना है, यहाँ से कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ये देखिए ये बाहर आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये आपका एसी फिल्टर का बॉक्स है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। आप तो ये यहाँ पे इसके दो लॉक्स होते हैं, इसको निकालेंगे एक इधर से। अभी ये हटने के बाद इसका बहुत सिंपल तरीका है, ये आपका एसी फिल्टर यहाँ पे प्लेस होता है, इसको निकाल लेना और आप चेक करना, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ये है रीज़न एसी में कूलिंग ना होने का और फाउल स्मेल आने का। देख सकते हैं आप इसमें पत्ते और ना जाने कितनी डस्ट ये सारी स्टोर हो रखी है। तो ये बहुत ही एक मेजर इशू होता है, मतलब एक बहुत मेजर कॉज है उस इशू की कि क्यों हमारा एसी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रहा है और क्यों उसमें स्मेल आती है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी ये एसी फिल्टर इतना गंदा है, तो इसको इतने गंदे कंडीशन में तो आप, मैं रेफर करूँगा कि आप लोग उसको चेंज ही कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लीनिंग के बाद भी इसमें कहीं ना कहीं डस्ट रहेगी और फिर उतनी ज़्यादा आपको एफिशिएंट लगेगा नहीं एसी क्लीनिंग के बाद भी। तो आप, मेरा यही सजेशन है कि अगर इस कंडीशन में तो उसको रिप्लेस कराएं, और ये बहुत ही कारगर तरीका है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो इतना रिप्लेस करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसका फ़ैन ऑन कर रहा हूँ तो ट्रस्ट मी दोस्तों, इसमें अब कोई फाउल स्मेल नहीं आ रही है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इतना छोटा सा काम कर दो बस और बढ़िया हो जाएगा, और कोई शिकायत नहीं आएगी उसके बाद। आप कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।